कुछ नहीं, गियर नहीं लगा ना, ना गियर तो सही थे, थर्ड गियर जल्दी लगा दिया, तीसरा गियर पहले लगा दिया। अच्छा हाँ, ये तो लॉन्चिंग तो बढ़िया थी दोनों गाड़ी साथ, तो बढ़िया थी, कोई नहीं ड्राइवर चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ तो सभी भाई को तो ठीक है, भगा पाते हैं नहीं भगा पाते, सभी भाई तो गए हो भाई, कैसी बात कर रहे हैं, और जबकि हम दोनों 100 किलो पार वाले हैं, दोनों हैवी है। खेचो, 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 खेचो। भाई बराबर सी आ रही है इस बार तो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मान व्लॉग्स। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नई एक्सट्रीम ड्रैग रेस, जो कि है अपनी होंडा और सुजुकी के बीच में। होंडा से आने वाली अपनी गाड़ी है WRV, ये भी भाई डीजल है, और जो सुजुकी से अपनी गाड़ी है इसको यहाँ पर मारुति से भी कहा जाता है। सो ये गाड़ी अपनी भाई एस क्रॉस है, दोनों गाड़ियाँ डीजल है, 1.5 100 BHP 200 NM ऑफ टॉक, 200 NM ऑफ टॉक। सो भाई टॉक दोनों गाड़ियों में बराबर है, वेट भी दोनों गाड़ियों में आसपास ही है, दोनों का बराबर ही है, शायद से थोड़ा सा अपना एस क्रॉस का ही ज़्यादा होगा। एस क्रॉस में अपना एक 1.6 इंजन भी आया करता था, वो 1.6 इंजन भाई कुछ ही टाइम के लिए आया था, सो वो ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन भाई आज भी इनके टॉक और BHP में सिर्फ 10 का फ़र्क है, सो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। सो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी ड्रैग रेस रहने वाली है। ये गाड़ी आप जानते हैं, यह अपने भाई आशीष शौकीन की गाड़ी है, ये गाड़ी भाई अपने विक्रम मलिक बॉक्सर भाई लाए हैं। सो भाई आज की ड्रैग रेस काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी ये देखने में, कि जब दो मैनुअल कारें सेम सेगमेंट सेम वेट जब भागती हैं तो कौन सी आगे रहती है कौन सी पीछे रहती है। आओ गाइस देखते हैं। सो भाई स्टार्ट कर रहे हैं अपना फर्स्ट राउंड, विक्रम भाई अपनी गाड़ी चला रहे हैं, मैं भाई के साइड में बैठा हूँ, दूसरी गाड़ी प्रथम चला रहा है और आशीष भाई उसके साथ बैठे हैं। और भाई इन गाड़ियों में कोई मोड वोड तो आता है नहीं, सो हम क्या करेंगे कि भाई सिर्फ AC ऑफ करेंगे और ये अपने स्पोर्ट्स मोड में आ जाएगी, मतलब ऑन करके चलाते हैं। अच्छा ऑन करके पूछ लो, ऑन है दो पे, सो दो नंबर पे AC ऑन करके चलेंगे भाई, स्पेशल दो नंबर, तो भाई स्पेशल ऑर्डर आएगी। हाँ। AC दो पे, और भाई सीट बेल्ट लगा लेते हैं, सेफ्टी फर्स्ट। सो भाई ऑन करेंगे 3 या 1 2 3 करेंगे हम, AC ऑन है दो नंबर पे, और हॉर्न कौन बजाएगा मैं देता हूँ, चल 1 2 3 कर दूंगा मैं, फिर शीशा उठा दूंगा। ठीक है थर्ड गियर शायद से हमने थोड़ा सा लेट लगा दिया, पहले लगा दिया है ना, पहले लग गया, पहले लग गया भाई, गियर मिसमैच हो गया है, बाकी गाड़ियां उठी दोनों एक साथ ही थी, और ब्रेक ले लो भाई कोई बात नहीं, बिल्कुल लॉन्चिंग बढ़िया थी लेकिन है ना, बिल्कुल हाँ लॉन्चिंग बहुत प्यारी थी, और मेरे को भी ऐसे लगा गियर है, थर्ड गियर हमने थोड़ा सा पहले लगा दिया, सेकंड खींचा नहीं पूरा। सो भाई फर्स्ट राउंड में अपने में WRV विनर रहती है, अब वो गियर मिसमैच रहा हो या कोई और रीजन रहा हो, कुछ नहीं, गियर नहीं लगा ना, ना गियर तो सही थे, थर्ड गियर जल्दी लगा दिया, तीसरा गियर पहले लगा दिया। अच्छा हाँ, ये तो लॉन्चिंग तो बढ़िया थी दोनों गाड़ी साथ, तो बढ़िया थी, कोई नहीं ड्राइवर चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ तो सभी भाई को तो ठीक है, तो भगा पाते हैं नहीं भगा पाते, सभी भाई तो गए हो मैनुअल का कुछ नहीं आता, नहीं तो मेरे को दे फिर, ना ना भाई कैसी बात कर रहे हैं, जबकि हम दोनों 100 किलो पार वाले हैं, दोनों हैवी यहाँ है, क्या कह रहे हैं, एक ऐसा कर लो थर्ड में चला लूंगा, एक और खींच लो थर्ड में चला लूंगा भाई, अभी एक राउंड और ऐसे करेंगे फिर बाकी, अरे यहाँ से हो जाती, मना कर रहे हैं, ये पता नहीं चलेगा ना कैसे कुछ आज है, AC बंद कर लेते हैं आपकी बार, सो भाई इस बार ही ऐसा कर रहे हैं AC कर रहे हैं ऑफ, तो भाई AC बंद कर रहे हैं, ये देखो बंद कर दिया, फैन को भी बंद कर देते हैं, फैन भी बंद हो गया है,
भाई एसी बंद हमारा, एसी बंद है हाँ। तो एडवांटेज दूं क्या चला के? नहीं यार, ना, ना, कर रहा हूं, मैं अपना भी ऑफ ही कर रहा हूं। ठीक है, तो भाई दोनों ही गाड़ियों के एसी ऑफ हो गए हैं और स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकंड राउंड। भाई ये तो इस बार ही ज्यादा फर्क आ गया, एसी ऑफ करे पाचे उस गाड़ी में है। तो भाई सेकंड राउंड एसी ऑफ करने के बाद अपनी WRV जीत जाती है, और जबकि लॉन्च में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं रही इस बारी, कहीं भी नहीं, परफेक्ट परफेक्ट मेरे भाई। यहीं पर देखिए पावर का फर्क आ गया दोनों गाड़ियों में, और जो उसकी जो 10 BHP ज्यादा है उस गाड़ी ने अपना रंग दिखा दिया, 250 cc बड़ी है सो वो भी इसने अपना दिखा दिया भाई। 1.5 है वो, ये 1.3 है, 1.3 तो है लेकिन अगर रियल इसको देखा जाए तो भाई ये 1248 है, इस वाले राउंड में गाड़ी मैं चला लूंगा, थोड़ा देखते हैं फर्क। वैसे भाई भाई का हाथ बैठा हुआ है, मेरे से बैटरी चला रहे हैं। सो भाई ड्राइवर चेंज करके देख रहे हैं, मैं उसको ड्राइव करके देखूंगा, देखूंगा भाई कितनी देर में कोई फर्क आ भी पाएगा या मैं भाई से भी कमजोर चलाकर गाड़ी को हरा दूंगा। साइड वाली सीट भाई 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 ऐसे क्या ड्राइवर चेंज करने से फायदा होगा? क्या करें, क्या हुआ इसको, मेरे को दो ना, उसमें जाओ WRV चलाओ ना। क्या हुआ? चलो ठीक है, जितने दो ना इसको, उसको भी आ जाओ भाई, चलो। सो भाई अब ड्राइवर ही नहीं भाई, गाड़ी चेंज हो गई है। कोई बात ना भाई, जिता देंगे। सो भाई आ गया हूँ WRV में, और थर्ड राउंड अपना स्टार्ट करते हैं, थर्ड और फाइनल राउंड, और शूट भाई कर देंगे। हाँ हाँ, है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई अपने शूट करने की वजह से गाड़ी की परफॉर्मेंस में कोई फर्क आए, क्योंकि पहले दो राउंड भाई एसी ऑन और एसी ऑफ दोनों में जीत चुकी है। ये लीजिए भाई, बिल्कुल एसी ऑफ कर रहे हो? ऑफ ऑफ ऑफ, ठीक है भाई। थर्ड राउंड स्टार्ट कर रहे हैं भाई, एसी ऑफ है, उधर से विंडो ऊपर कर लियो सही भाई। अच्छा फ्रेंडली, गाड़ी की वजह से तो नहीं कह रहा? अच्छा चलो फ्रेंडली कर लो, स्टार्ट करो भाई। सो भाई एक राउंड और कर रहे हैं, क्योंकि प्रथम का ये कहना है कि भाई वो इस राउंड में निकल सकता है लॉन्च में, मतलब मेरी ड्राइविंग से। सो देखिए भाई एक बात पहले कह देता हूँ, अगर ये राउंड में अगर मेरे से लॉन्च गलत भी होता है तो ये गाड़ी विनर रह चुकी है, ये सिर्फ भाई की ईगो सेटिस्फाई करने के लिए हम कर रहे हैं। हाँ, बस बस भाई, ठीक है भाई। तो चलो भाई प्रथम भाई की ख्वाहिश पूरी करते हैं। रह गया, रह गया पीछे, रह गया जीतने की जल्दबाजी है थोड़ी सी, कोई नहीं चलो दोबारा करो। इस बार लेट किया सभी भाई, लेट था ना? लेट था लेकिन छोड़ी, बहुत जल्दी गियर चेंज मार रहे हो। चल 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 चल, तो मजा आ रहा है भाई, ये तो भाई देख लो, लेट उठे थे हम लोग, फिर लेट लॉन्च हुआ था भाई, उसके बाद भी
गाड़ी में पावर ज्यादा है तो भाई ये कितने हाँ, देख लो अभी भी स्पीड बढ़िया थी 140 की स्पीड। हमें मतलब हमें पहले ये लगा था कि और राउंड ना करने पड़े, लेकिन करना पड़ेगा शायद से, लेकिन भाई देखो अब बिल्कुल क्लियर है, अब क्लियर है, अब तो WRV ही विनर है, होंडा विनर है, क्लियर विनर है, क्योंकि क्लियर उसके अंदर दिखा है वीडियो के अंदर दोनों गाड़ियां कैसे लॉन्च करी है दोनों ने, लेट हुई है और उसके बाद भाई सेकंड गियर जैसे ही खत्म हुआ गाड़ी ने थर्ड उठाया, गाड़ी ने पार कर दिया उसको। बस यही तो है 1500 सीसी का यही फायदा होता है। सो गाइज आज की ड्रैग रेस में अपने 4 राउंड हुए थे, 2 राउंड में भाई मैंने ये चलाई, 2 राउंड में भाई विक्रम भाई मैं इस गाड़ी में था। सो भाई ले देकर देखिए सारी हमने करके देख लिए, एसी ऑन एसी ऑफ, इस कार को भाई वो कार बीट नहीं कर सकती है। ये लॉन्ग में भी जाती है, ये इनिशियल में भी जाती है, लॉन्च करने वाले के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे एक राउंड में मैंने उसको बिल्कुल नहीं जाने दिया था, दूसरे में भाई वो 70-80 के बाद ये उसको क्रॉस कर पाई है। बात ले देकर ये कि भाई इसका भाई 1.5 का इंजन है, 100 BHP है, इससे ज़्यादा पावर है, ज़्यादा बड़ा CC डिस्प्लेसमेंट इंजन है। सो भाई वो सारी चीज़ों का फ़र्क लगाने के बाद अपनी WRV आगे रहती है। प्राइस दोनों के गाड़ियों के सेम ही है भाई, लेकिन भाई जो एक हवा थी ना कि फैट का 1.3 किसी से नहीं हारता, तो भाई आज वो अपने होंडा के इंजन ने हरा दिया है। सो भाई दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी आपको पसंद आई और आज की ड्रैग रेस आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। कल फिर मिलते हैं एक नई ड्रैग रेस के साथ, एक नए रिव्यू के साथ और एक नए डेली व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू गाइज़।